अर्षिता जाके हरिद्वार पहुंच गया। अब दोनों भाई का डिप्रो नीचे उतरिया। अगर मंगता भिखारी तो वही है, अल्लाह के नाम पे दान कर दे बाबा, राम के नाम पे दान कर दे बाबा, जी को दतार हो नी बड़के नहीं तो 5 रुपया दिया कि नहीं 10 दिया। वो कंजूस का यार तेरा कुल केड़ा निकम बंटा है तेकन बफर तो मन दे के वो का बड़ा हरिद्वार आ गई ना कौन करे नहीं वो के यार मेरे सामने ना बांट मेरे उरु तुर हुए के कीड़ी सी चंडे के। अब यहाँ करता करता दोनों भाई हरगी पौड़ी पुग्या, हरगी पौड़ी पुग्या नहीं जन्ना मोटुड़े भाई तो कुर्तियों खोलियो और डुबकी मारियो। अब जी डुबकी मारी नायो और नागे पत सुनी निकलो नी बारे अगे पंडा हुए कि नहीं कौन बक्सा नहीं कह लिया बड़ा गंगा जी नहीं हुए दान करके बन सो को पत्तो काटियो जेब के माऊ और दान कर दियो, दान कर दियो। और वो कंजूस पेड़ पर बैठे बैठे देखन लाग रहे हो। वो बिना जाके कह बड़ा तू ही नाले, वो कह यार मैं तो कौन ना हूं, कह यार नाले सुको कौन जाए करे के, यार रिपे देगी मेरू वालो को नहीं जेने तन्ने कर दियो नहीं आलो मिंट लागे क्या यार नाले यार क्या या बता यार की पेड़ी नानो जरूरी है के मैं कोई और पेड़ी कौन ना सकू के क्या बावड़ी का बेड़ा किसी पेड़ी नाले पर ना तो ले वो मैं को है या किनारे किनारे साल पड़ो पर जाने बठे साला जट्ठे पंडा कोनी पंडा कोनी पियों कर गयो बार लपस है पहुंच गयो। और अब इन्हें भी देखियो जाने कोई कोनी दबा दबा खोलियो कुर्तियों और डुबकी मारियो। अब जी डुबकी मारी नायो और भगवान के करियो पंडे को रूप बना गे और कंधे कना आगे खड़ गयो। अब जी बेलड़ो ना आगे पक्षों निकलियो और पंडे ने देखियो एक तरह दूसरे को मारियो कान ला रहे हैं खड़े नहीं और नाकनो पानी कान मा खराब गयो और ए मरने तैयार हो गयो। अब बाहर निकल के पंडजी को गलबो डाल के कह पड़ा फेंक ही मिला रहे छोड़ो यो कोनी पंडजी कह मैं तू मरेड़ा मुझे कौन छोड़ा यार तू तो जीव तो है कह गंगा जी नहीं है दान करके वो जेब दिखा के देख लियो पंडजी की कोनी जेब खाली पड़ी है जेब मेरी पंडजी कह कोई बात नहीं आपने वादो कर ले और दान तू तेरे घरे आके ले जिसिया अच्छा ना तो घरे दे दी दान वो सोचे कह वादो इसो करा संकल्प इसो लिया जिसको दान देन जोगो छोड़ ही ना कह जाओ पंडजी 1.5 रुपये दान दियो 1.5 रुपये थे घरे आगे ले जाइयो कह वो जाने 1.5 रुपये खातर कोई 500 किराया लगा के कौन आवे घरे थोड़ी आसे के अब यहाँ करके मुन्ना भाई ने कहा साल यार साला घरे मैं पंडा ला रहा हूँ कौन छोड़ रहा है अब यहाँ कर गया गोनू भाई गाड़ी पर चढ़ के घरे आ गया। घरे आते ही मैं घर वाले कुआड़ खोलिया जीए कुआड़ खोलिया आगे सागी भप्पन जी तैयार गो खड़े हो देखियो और देखता ही आत्म जोड़ो पड़ गयो कहिया बताओ पंडित थे आया क्या करो कह तेरा बाऊ बम्बू काट कर आयो बम्बू काट कर आयो और मेरे 1.5 रुपये काट के वो मन में सोचे कि मैं कंजूस हूँ और तो मेरे बाप निकले हो क्या वो सोचे से की हो जे पंडजी ने 1.5 रुपये देनो को नहीं तो तू पंडजी बैठ जाओ कि खागे बाजार 1.5 रुपये देसी से 1.5 रुपये कुछ चाय पानी पी लेने दो। अब पंडजी तो बाबड़ो बाहर लगा से बैठ गयो और वो माँ उठ गयो माँ गयो ने घर वाली बाबड़ी पगंग हाथ लगायो के श्याणो जे गंगा माई की वो कहा क्या के गंगा माई है क्या के क्यों यो के हुयो के मैं बोलियो दान रोपंडो लारी है खड़े के और मैं दान देनो कोनी
तो तू इया कर मन चो डर दे मैं सो ऊपर तू बाखड़ो गाल दे पण जे पूछे तो के दे मन तो नमूनी हो गयो बा के जानो वो जेड सड़ को मिनो नमूनी हो कठो हो गयो के के तेरे के फर्क पड़ा है सजनो नमूनी बाखड़ो उड़ के सो गयो हर बाटू मुल्ती साल बाखड़ो उड़ के सो गयो अरे बार पणजी लम रे के चौधरी मेरो डेढ़ रुपयो काट के बाकर जी मन तो गंगा जी के ढके कुन बैठी मन तो नमूनी हो गयो के पण जी का नमूनी हो गयो तो की होयो मेरे के घरे टब्बर रुले के अठे बैठू और नमूनी ठीक होए आओ वो ही बैठ गयो ना तो वो हले और ना वो हले गड़ी को है वो पूछे घरे कुनु के पण जी गया के क्या गया कोने नहीं बैठा रोटी सी में वो कह लियो वो खर्चो रोटियां वो क्या क्या पंडित तो कौन सा मतलब है मैं जाऊं के थे इकट्ठा जाओ क्या की कोनी ने मांगने में सोऊं के तू ऊपर बाकलो गाल दे और बोरियो तोर के जेब के मांगा ले और केदर सूंचा कर ले हर पंडित जान सी मर गयो तो डेड पे ले सिकी गनो हां बा कह सानो क्यों सां कर डेड पे बाप ने देतियो डेड पे के क्यों ये उगे ही डेड पियो वो तो कमाई से ओ मैं को वो तक तो आंगन बाघड़ो उड़ के सो गयो मगर बलकिया लेकिन खड़े को नहीं उस ओ भाई पाप दे सच्ची रोनो तो क्या गो आवे अरे तो क्या मसल के कह मेरा साईं के यो गंडक दाई बा रोई ने पण जी बापड़ो मा गयो के भाई के बात कोई बात नहीं मैठे बैठू दाग लगवा कोई बैठी गयो ना तो वो वाले अब आंगन में पड़े देख के लो के आन लग गया अब मैं को पूरो आंगनो भरिज गयो और चार पांच ने लुगाया आई नी भी बापड़ी को भूखियो पकड़ के मां ले गई खेत में चूड़े जाने फोड़ के हाथ से लल्ला का कहे नागे सो की कोनी बिगड़ो अब सजनो रोल डेट में सुने की सुड़ो तो एक कन्ने बिठी के भाई ते सगोई तो की होयो सारी सगी हो करे सी के सी हो करे के जीवित ही है अब सजनो रोल डेट में कोई कौन सुने अपन जी लमारे करे भाई मूड का खतर कर लग रहे हो समाज सुन लो ओ मैं को एक जनो गयो बांसड़ा पूछने ले आगे आंगन में डाल लिया हैं अब एन काम तैयार हो गयो नौन लग गया नहीं जन बापड़ा माखर देख लियो वो पंडो कर नहीं खड़े हो बन सोचियो बांग खोल ली डेट क्यों लेंगे छोड़ी मैं को दड़ी बटी गयो सांस ही गोल कर दियो नहीं अब एन काम तैयार हो घब्बा गलन लग गया नहीं बाप बापड़ी कहे ये तो ले जाएगा नहीं बा नीचे हो क्या सियाणो थे खड़े हो जाओ क्या अर्जे आ मक्वांगे तक के चढ़ गया तो कुंडी कर गई अबेगा कलिया बता पंजी के करे क्या करे के है तल्लीले सिराने खड़े हैं तुमका तुम तल्ली बचन दे भेड़ रिपियो सजनो बाजे पटाका अरे गावा हिंडोला बाबा बड़ी गए लोगों को जे मरेड़ा पर महाराज जीव से जाना कोई बात नहीं राम ही मान जे अब यहाँ करता करता अद बिचारा कहीं आ गया नहीं बाबा अपड़ी कहे पर गांव में क्या एक एक मुंह और दिखा दिया तीन चार बार देखा अरे छत्ती पर पिंडिया खा लिख रहे हैं जो वाला वे सुती सुती दोनों ही खा गयो पिंडिया ढूंढे पिंडिया धाने को लग देने
बाबा बड़ी गजी एक एक मुंह और दिखा दियो गांगा का भी कोई बात नहीं बिन्नी ने मुंह दिखा दियो बाद नीचे हो के सणो खड़े हो जाओ है रज तें तू की कौन बिगड़ो ऐसे खड़े हो जाओ के कहीं यहाँ बता पंजी के करे क्या करे के है आंडी ले सिराने खड़े है क्या तू आंडी छोड़ दे डेढ़ रुपयो कौन दियो अब सजनो फेर चक लियो करके मसाना में ले गया लकड़ा में सिल लियो ए लाई डेढ़ा पेट छाती पर धर दिया लेकिन खड़े को नहीं सुन मुंह में घी का लिख रहा नहीं वो सुती उसको पाई पक तो पी गयो क्यों महंगा भाव को क्यों खराब करा अब सजनो इन काम तैयार हो गया नहीं बाकी जी लास्ट एंड फाइनल है क्या एक मुंह और दिखा दिया मुर्गे तो लोड़ी पन पड़ेगी क्या भाई कोई बात नहीं बिन्नी मुंह दिखा दियो नीचे हो गया सियाणो जी तें तो की कौन बिगड़ो लकड़ से सुखे सुखा गिल्ला है की कोनी और बजे नहीं कौन बजनेगा ए खड़े हो जाओ कहीं यहां बता पणजी के करे कहे की बताऊं करे के है लंपोली सिराणे खड़े है का तू लंपू लगाण दे डेढ़ रुपयो कौन दियो कह अब सजनों अट्ठा आगे भगवान हार गया भगवान हार गया और भीम भाई ने लकड़ा में 512 काट्यो और काट के शाबाश सिद्धि है के वाह भाई वाह ये नेम हुए किस्सा हुए मरने मर जाए लेकिन भाई नेम ना अपना क्या नेम है इस बीच तो गुरु बनाना के सिद्धि इन लोगों को सिद्धि तो भाई भक्ति के श्रद्धा विश्वास निश्चय है अब सत्संग में जाओ ज्ञान कुंडली सुना गीता सार पढ़ा महाभारत पढ़ा भगवान के मैं ज्ञान से नहीं मैं तो भोले भाव से मिलता हूँ आपने अंदर सतनु ज्ञान घणो ही है लेकिन ज्ञान की बात करना चला तो भगवान के मन से जे बात पर चलो तो एक ही बात काफी है एक बात पर चल जाओ तो पूरे जीवन जी को बदल देती भाई अब आज संता बताइए कबीर जी रविदास जी मीरा गुरु नानक देव जी बा संतान का वचन है भाई और ओ मुको जी को बार बार कौन मिले कह मानुष जन्म अनमोल रे तू मिट्टी में मत बोल रे अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा ये कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं बंदे सत्संग में तू आया कर तू गीत प्रभु के गाया कर सां सवेरे बैठ के हरे का ध्यान लगाया कर तेरा लगता नहीं कुछ बोल रे अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा ये कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं बंदो कह भगवान का नाम बुढ़ापा में ले ले सिया बुढ़ापा में ओरी ओरी करनी सावड़ कोनी हुए कभी सिर दुख ना जाए कभी गोड्डा कभी हाथ दुख ना जाए कभी मोड्डा जना कह भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है अगर सुनाना तो और भजन सुनाना है देखो भाई वह कथा सुना दे कथा सुना दे।